बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। फाइंड लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 3t। यहाँ पर हम अगर स्क्वायर ना होता तो हम साइन 3t का लाप्लास आसानी से फार्मूले का यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते थे। स्क्वायर यहाँ पर आ गया तो इसे स्क्वायर को में हटाना होगा, तो इसके लिए हमें साइन स्क्वायर को कॉस की फार्म में बदलना होगा। तो कॉस का तो हमें लाप्लास का फार्मूला में पता है, स्क्वायर हो अगर कॉस में या साइन में तो हम लोग को नहीं जानते फार्मूला डायरेक्ट उसका। तो इसलिए हम इसे पहले तो जो वैल्यू है हमारी जो कि साइन स्क्वायर, जैसे हम थीटा इसे मान लें तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो ये वैल्यू होती है 1 cos 2θ/2 होता है। ये फार्मूला एक्चुअल में cos 2 थीटा से बना है, यानी cos 2 थीटा हम लोग जानते हैं कि cos 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। यहाँ से अगर हम ट्रांसपोज करें sin को राइट से लेफ्ट में और cos 2 थीटा को लेफ्ट से राइट में, तो हमें मिल जाएगा 2 sin² θ = 1 - cos 2θ। इस तरीके से अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो हमने यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है। हमारे ये थीटा की जगह पर 3θ है, तो यहाँ पर यानी हम साइन स्क्वायर 3θ की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर थीटा के यहाँ 3t है, तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर जब 3t रखेंगे तो राइट हैंड साइड में भी 1 - cos, जहाँ पर भी थीटा होगा वहाँ पर आ जाएगा 3t आ जाएगा। अपान में 2 है तो इसको हम लिखा रहने देंगे। अगले स्टेप में ये 6 टाइम्स हो जाएगा और इसको हम जो है लिख सकते हैं 2 को इस तरह 1/2 करके लिख दीजिए, तो हमें मिल जाएगा साइन ऑफ स्क्वायर 3t इजिकल टू 1/2 हमने इस तरीके से लिख दिया, और ये 1 - cos 6t हो जाएगा। अब इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर 3t, तो इसका मतलब हुआ हमें लाप्लास फाइंड करना है इस वैल्यू का, यानी 1/2 ऑफ 1 - cos 6t का लाप्लास हमको चाहिए। क्लोज कर दें ब्रेकेट, 1/2 इनटू में है कांस्टेंट है तो लाप्लास से ये बाहर हो जाएगा 1/2। सिर्फ लाप्लास हमें फाइंड करना होगा 1 - cos 6t का, और यहाँ पर 2 टर्म है, दोनों टर्म का अलग अलग हम लाप्लास फाइंड करेंगे, यानी लाप्लास हमको फाइंड करना होगा 1 का लाप्लास फाइंड करना होगा, और इसी तरीके से हमें लाप्लास स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, लाप्लास फाइंड करना होगा कॉस 60 का, और दोनों के लिए हमें फार्मूले मालूम होते हैं। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हम लोग जानते हैं 1 का लाप्लास जो होता है वो याद होता है हमको, ये वैल्यू होती है 1/p या यस आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पी ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस से इसमें इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, अभी हमने यूज़ किया है लाप्लास ऑफ 1 जिसकी वैल्यू होती है 1/p। अब लास्ट हम लोग जानते हैं कि कॉस 80 की जो वैल्यू होती है, फार्मूला हम लोग इसका जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है p² + a² ए यहाँ पर क्या है, जो टी का कोफिशेंट है, तो यहाँ पर अपना टी का कोफिशेंट 6 है, यानी ए की जगह पर 6 है, तो ये वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी p² + 6² हो जाएगी। तो इस फार्मूले का हमने यूज़ कर लिया है। अब आप चाहें तो उसको एलसीएम ले के सॉल्व कर लें, इतना ही छोड़ सकते हैं 1/2, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दो चूँकि अलग अलग हैं तो का मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा, p² + 6² जो है आप लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 36। तो जब इसको डिवाइड करेंगे p से तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा p² + 36 का, फिर माइनस का साइन अप्लाई कर देंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे, ये सेम है कैंसिल हो जाएगा, p का ऊपर जाके p में मल्टीप्लाई हो गया p² हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस का p² माइनस का p² कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 और ये बचा हमारे पर न्यूमरेटर में 36, डिनोमिनेटर में p है, p² + 36 है। तो ये वैल्यू चल रही थी, यानी लाप्लास ऑफ हमारा साइन स्क्वायर 3t थी वो आ चुकी है, 2 कैंसिल कर देगा इसको 36 को 18 टाइम्स, तो 18/ में ये p² + 36 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम
कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।